हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 11 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों, अगर आप किसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा इकोनॉमिक सीजीए को टाइप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, एलएस क्लियर बिल रीस्टोरिंग स्टेट राइट टू स्पेसिफाई ओबीसी ग्रुप। यहाँ पर ये बोला गया है कि आप जानते हैं कि पहले हमारे पास जैसे तीन लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसके अंदर एक पॉइंट उठा था कि जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर, अब ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करें कि ओबीसी में कितना उनको रिजर्वेशन देना है। वैसे इस कोटा को डिसाइड किया गया 50%, यानी कि ओबीसी में अब आप जो अदर बैकवर्ड कास्ट रीजन के लोग होते हैं इनको 50% तक का आप कोटा दे सकते हो या 50% तक का रिजर्वेशन दे सकते हो। और ये चीज़ इंश्योर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंप दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी जाए। और यानी कि किसका मुद्दा उठाए, कॉन्करेंट लिस्ट का उठाए, क्योंकि स्टेट लिस्ट में तो स्टेट बनाती है, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है उसमें दोनों लोग लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसका मुद्दा बन गया, कॉन्करेंट लिस्ट का बन गया। मैं इसके लिए ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल के अंदर तीन लिस्ट हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब कहा जा रहा है कि हम इसको किस में डालेंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर डालेंगे, जिसमें स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का क्या होगा, इंटरवेंशन होगा। ठीक है, अभी क्या था, मैं आपको एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बता दूँ, इसमें अभी लोग, अगर ये बिल पास हो गया तो कहा जाएगा कि 127वां संशोधन हुआ है, मतलब 127th जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी। बट अगर हम वैसे देखें तो 105वां ये माना जाएगा। सर क्या मतलब हुआ ये, देखो अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ें चेंज की जाती हैं, तो ये 127वां बिल होगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के लिए किया जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सारे बिल एक्ट में कन्वर्ट हो पाते होंगे, क्या सारे बिल पास हो पाते होंगे, द आंसर इज नो। तो अभी तक कितने पास हुए, 104। अगर ये पास हो गया तो कितने हो जाएंगे, 105। दो टर्म आपको याद करनी है, हमारा कौन सा ये संशोधन यानी अमेंडमेंट है, 127वां, उसमें से अगर ये पास हो गया तो पास होने वाली लिस्ट में कौन सा, ये 105। ठीक है, ये बात आप प्लीज याद रखना। इसके बाद यहां पर आप राइट साइड देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है पार्टीज गेट 48 आवर्स टू पनिश कैंडिडेट क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्या मतलब है, फरवरी 2020 में एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये कहा गया था कि कल को कोई भी इलेक्शन होंगे और किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड कैसे हैं, उस पर कितने कितने क्रिमिनल केसेस चले हुए हैं, कितने कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं, और ये बात आपको चुनाव के 48 घंटे पहले तो बतानी ही पड़ेगी। लेकिन आप जानते हैं रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने ये चीज़ें डिस्क्लोज कर दी तो इससे उनका वोट बैंक खराब हो सकता है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा करते हुए बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर हम इन चीज़ों को इंश्योर ही चाहते हैं सभी पार्टियों से कि उनके जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बारे में दो दिन पहले यानी 48 घंटे पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो भी किसको, जनरल पब्लिक को बतानी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर हम बीजेपी की बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट उनके पास 109 है, जिनके पास 70 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये पूरा डेटा दे रखा है, आपको डेटा नहीं याद करना, आपको बस इतना समझना है कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन जो फरवरी 2020 के अंदर जारी की थी उसके हिसाब से अब हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने खड़े किए उम्मीदवार यानी कैंडिडेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। वैसे भी पेनल्टी 1 लाख रुपए रखी है, 1 लाख मेरे सबसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कहीं से भी वसूली करके वो 1 लाख आपको दे देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कम से कम उन्हें बताना तो नहीं पड़ेगा, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा ले 1 लाख पे करना पड़े तो उनके लिए बड़ी कॉस्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसको बढ़ाना चाहिए और कुछ पेनल प्रोविजन भी करना चाहिए कि बिना आप इन्फॉर्मेशन के आप चुनाव में खड़े ही नहीं हो सकते हो। अगर इस टाइप के प्रोविजन बनाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम इसमें आगे चले तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, ज्वाइंट डिमांड फॉर स्क्रूटनी ऑफ इंश्योरेंस बिल। क्या मतलब है इसका, देखो क्या है, आजकल आप जानते हो जो हमारी इंश्योरेंस सेक्टर है ये पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है, जिसको लेकर ये बोला जा रहा है कि इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी मतलब प्रॉपर चेकिंग की जाए और ये पता लगा जाए कि आखिर ऐसा लॉस मेकिंग में ये क्यों जा रही है, और अगर गवर्नमेंट से ये चीज़ नहीं संभाली जा रही है तो इसको PPP मॉडल में डाल देना चाहिए, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि प्राइवेट सेक्टर को ये चीज़ें बेच देनी चाहिए जिससे कि प्राइवेट लोग उसको अपने तरीके से डील करें, अपने तरीके से मैनेज करें और इसका फायदा जो वो पब्लिक को पहुंचे। तो इस बिल में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए और स्क्रूटनी करनी चाहिए, बाकायदा चीज़ों को चेक और एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ये चीज़ें गवर्नमेंट कर पाएगी अपने लेवल पर, या फिर इसका क्या कर देना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए PPP मॉडल के अंदर। ठीक है, ये इस पर बात बोली गई। इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर, तो यहाँ पर ये थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तिहाड़ जेल वगैरह की बातें हैं, यहाँ भी आपको अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये थोड़ा बिजनेस न्यूज़ आ गया हमारे पास।
ये COVID-19 से रिलेटेड है, इसमें भी कुछ मुझे खासा भी लगा नहीं है आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, बाकी गुमशुदा की तलाश वगैरह तो हमें वैसे ही नहीं पढ़ना होता। ठीक है चलिए और आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हो प्रेजेंट बुक इंस्टेड ऑफ बुकेट्स, क्या मतलब है? अच्छा ये जो न्यूज़ है बेसिकली इसमें ये बोला गया है, जब भी कोई बंदा किसी से मिलता है, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जैसे MP ML हो गए या चीफ मिनिस्टर हो गए, ये आपस में जब मिलते हैं तो उनके लिए बुके लेकर जाते हैं, महंगे महंगे फूल खरीद के लेकर जाते हैं। आपको नहीं लगता ये हमारे देश में एक बेवजह चीज़ों का खर्चा है? भाई एक CM दूसरे CM से मिलने जाता है, वो बुके लेकर जाता है, उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है। भाई क्या ज़रूरत है? अगर आपको गिफ्ट देना है तो आप अपने पर्सनल पैसों से देना, आप अपने देश का पैसा जो GST से आप कलेक्ट करते हो या इनकम टैक्स से कलेक्ट करते हो, आप उन पैसों से बुके खरीदो, मतलब हमारे पैसों से। आपके अपने रिलेशन है तो आप अपने रिलेशन के लिए क्या करो, अपने जेब से पैसा निकालो, आप पब्लिक के पैसों का ये क्यों फ़ायदा उठा रहे हो? और अगर आप ये कह रहे हो नहीं हम पब्लिक मीटिंग करने गए थे, CM से कोई पर्सनल मीटिंग थोड़ी थी, तो ऐसे केस में आप लेकर क्यों जा रहे हो? क्या ज़रूरत है? नहीं लेकर जाओगी तो क्या मीटिंग होगी? नहीं तो इस बात को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बात बोली है कि भाई ये जो बुके वगैरह लेकर जाते हो इन खर्चों को रोको, जिससे जो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है ना इकॉनमी का, जो BOP नेगेटिव में जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सके। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन जब हम इनकी कलेक्शन करेंगे ना, क्योंकि हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, सोच के देखो अगर कोई भी CM कहीं मिलने आता है, अगर वो 1 लाख रुपये का भी खर्चा करता है बुकों के ऊपर, शॉल के ऊपर या कोई गिफ्ट के ऊपर, सोच के देखो अगर हर महीने की इनकम कैलकुलेट की 28 से मल्टीप्लाई करके और 8 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना बड़ा अमाउंट होता है। इतना अमाउंट अगर हम वेलफेयर पे लगाएं तो क्या इकॉनमी में वेलफेयर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस बात को लेकर मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी चीज जो यहां पर बोली गई है, बड़ा मजा आया, मतलब अच्छा लगा इसको देखकर। ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर एडिटोरियल देखें, एक एक कॉपी वाटर को लेकर। अच्छी कॉपी वाटर्स को लेकर क्या है, आपको याद होगा जो लोग हमारी पूरी सीरीज डेली डेली फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको कल ही बताया था कि UNSC के अंदर हमारे भारत को प्रेसिडेंशियलशिप मिली है 1 महीने की। यहाँ पर भारत ने, पहले तो भारत ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की, भारत के प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको प्रेसिडेंशियलशिप मिली है UNSC की। अब ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर राष्ट्र में जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं मुद्दे उठाती हैं सिक्योरिटीज़ को लेकर, चाहे वो मैरिटाइम हो चाहे वो लैंड को लेकर हो। अब आप जानते हो हमारे यहाँ पर जो मैरिटाइम मतलब सी के आसपास के इलाके हैं उनके अंदर सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होती रहती है, लोग आतंकवादी हमला वहाँ पर कर लेते हैं, वहाँ से एंट्री कर लेते हैं इंडिया के अंदर, इस बात को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि चाइना जो साउथ एशिया सी है उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, हिंद महासागर के ऊपर भी वो अपना कब्जा कर रहा है कि नहीं ये तो हमारा सी है। तो ऐसे में इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कल ही की डेट के अंदर एक मुद्दा उठाया कि मरीनटाइम सिक्योरिटी को लेकर, कि आखिर ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, इसके लिए हमें प्रॉपर एक बिल एक एक्ट की ज़रूरत है, इस बात को यहाँ पर बोला गया। तो यही एडिटोरियल इस बारे में बोल रहा है। ठीक है इसके बाद अगर हम आगे चलें, दूसरा एडिटोरियल क्या बोलता है यहाँ पर, अंडरमाइनिंग जस्टिस। अभी अंडरमाइनिंग जस्टिस क्या है यहाँ पर, अच्छा आप एक काम करो, चलो मैं आपको बताई देता हूँ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका नाम क्या है, NV रामना। NV रामना ने बोला कि जो भी हमारे ज्यूरिडिक्शन में जो भी वैकेंसीज खाली हैं उन वैकेंसीज को फिल करो ना, फिल क्यों नहीं करे? अगर आप फिल करोगे तो उसमें जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होगी, जल्दी जल्दी केसेस रिजॉल्व होंगे, पेंडिंग केस में तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आपको नहीं मिलेगी और आपका काम जल्दी से जल्दी निपटेगा। तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए उन वैकेंसीज को फिल करो, ये एडिटोरियल उसी पर बेस्ड है। ठीक है इसके बाद यहाँ पे चलो इतना ही रखते हैं अभी। ठीक है एडिटोरियल यही इम्पोर्टेंट आपके लिए। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ भी अभी कुछ खास नहीं लग रहा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबसे मेन चीज़ इस पर मैं अभी केस स्टडी बनाने वाला हूँ, इस वाले पॉइंट को लेकर मैं अभी केस स्टडी बनाऊंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना। मोदी लॉन्च उज्ज्वल स्कीम योजना। अभी उज्ज्वला योजना क्या बोला गया यहाँ पर, आप जानते हो उज्ज्वला योजना है क्या? उज्ज्वला योजना का मतलब होता है कि जैसे गाँव के अंदर लोग चूल्हे पर अपना खाना बनाते हैं, अब चूल्हे पर खाना बनाएंगे तो जो महिलाएं होती है जो खाना बना रही होती है उनके फेफड़ों में वो धुआं चला जाता है, एक तरह से वो एक टाइम अगर खाना बनाती है तो उन्होंने 20-30 सिगरेट जितना धुआं उस 1 घंटे के अंदर निकल लिया, एक तरह से इनहेल कर लिया, तो उनकी हेल्थ को लेकर इशू होता है। इसके बाद एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन फैलता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी गाँव हैं हम उनको LPG सिलेंडर के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि हर घर में LPG सिलेंडर का क्या हो पाए, यूज़ हो पाए। तो LPG सिलेंडर का जो योजना चलाएगी गाँव के अंदर ताकि चूल्हे का यूज़ को रिप्लेस करके गैस चूल्हे में कर दें, और इसी योजना को बोलते हैं उज्ज्वला योजना। अब उज्ज्वला योजना हमारे जितने भी भारत में स्कीम्स चली है उनमें से सबसे सक्सेसफुल स्कीम में से एक है उज्ज्वला योजना। अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा रहा है, अब एक नई योजना चलाएगी जिसको बोलते हैं उज्ज्वला 2.0। अब ये उज्ज्वला 2.0 क्या बोलता है कि जो हमने स्कीम बनाई है अब उसमें हम लार्ज एरिया को कवर करना चाहते हैं, यानी पहले अगर हमने 50 गांव कवर किए तो अब हम
75 गांव कवर करना चाहते हैं, लार्ज एरिया को कवरेज करते हुए चलेंगे। इसके डिटेल के लिए मैं आज ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। अलग से इसकी केस स्टडी मैं अपनी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना कि उज्ज्वला योजना के अंदर एक नया वर्जन आ गया, दैट इज 2.0 स्कीम, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ भी अभी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, अभी हम सीधा जो है अपने बिजनेस सेक्शन की ओर आते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, पहले सेंसस एक्टिविटी की बात करते हैं। आप जानते हो भारत में जनगणना 2021 में होने के लिए थी, जो अभी थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है। तो अब आप जानते हो जैसे हमारे सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो दो टाइप की चीज़ें होती हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सैम्पलिंग मेथड और सेंसस मेथड। सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, सेलेक्टिव लोगों को उठा के पूरी पॉपुलेशन पर उसका इम्पैक्ट देखा जाता है, और सेंसस में एक एक बंदे को उठाकर उसकी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है। तो जब हम पॉपुलेशन का काउंटिंग करते हैं तो उसमें सेंसस मेथड लगाया जाता है कि एक एक घर में जा जाकर उसकी पॉपुलेशन को चेक करेंगे, दैट इज सेंसस मेथड। अब जब सेंसस होता है तो हमें एक एक घर जाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से ऐप के थ्रू काम किया गया है कि सभी लोग अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, घर में कितने मेंबर है, कितनी उनकी एज ग्रुप है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल एसटीएससी ओबीसी किस में बिलोंग करते हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनकी इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन पर भर के सीधा एनएसएसओ की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो। नहीं भी करना तो आप ऐप के ऊपर इन्फॉर्मेशन दो, वो सीधा एनएसएसओ के पास चलेगी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के पास वो चीज़ें चली आएंगी। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक ही घर जाने से बेहतर है कि हम क्या करें, इस ऐप को लॉन्च करें, और इससे क्या होगी, जो पहले तो ई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा और इससे एक ही घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन जगहों पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, लोगों को मोबाइल फोन चलाना नहीं आता, उन जगहों पर फिजिकली वेरिफिकेशन भी पॉसिबल है। तो ये बात यहाँ पर बोलेगी, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है COVID-19 के चलते, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अब हम सीधा बिजनेस सेक्शन की ओर आ सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बोलिए, प्राइस प्रेशर टू स्मूथनिंग आउट इन कमिंग मंथ्स। आप जानते हो इन्फ्लेशन जो है वो अचानक से एकदम बढ़ गई थी, एडिबल ऑयल्स वगैरह, पेट्रोल वगैरह ये सब बढ़ गई थी। बट अब कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपनी सेल्फ सफिशिएंसी पर फोकस कर रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि बाहर से इम्पोर्ट पर हमें कम रहना पड़े और अपना खुद का प्रोडक्शन करके इंडिया में उन चीज़ों की सप्लाई करें। जब इंपोर्ट कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम जाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम लगेगी, तो रेट क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली सस्ते हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन कहा जा रहा है कि अभी जो आपको लग रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ये आने वाले टाइम के अंदर इन्फ्लेशन के कम होने के चांसेस हैं। और ये बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव खबर है जो कि RBI की MPC के द्वारा दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी न्यूज़ पर देखते हैं, यहाँ पर तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद MFI RBI ने के यहाँ भी अभी कोई खासी नहीं, बस यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी आती है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती है। निफ्टी के आज की में 50 कंपनी कौन कौन सी है, अदानी एयरपोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटेनिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लाइफ, डॉक्टर रेड्डी लाइफ, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, ऑयल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, GHW स्टील, कोटेक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो, ये हमारी टॉप 50 कंपनियां हैं। और आप जानते हो एक क्वेश्चन डेली रिपीट करते हैं क्या, कि हमारे यहाँ पर IMF जब लोन देती है तो किस करेंसी में देती है, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1969 के अंदर, जिसके अंदर 5 बास्केट ऑफ करेंसी यानी 5 करेंसी से इसके अंदर रखा जाता है, कौन कौन सी, US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन, ये 5 करेंसी है जो इसके अंदर रखी जाती है। और इससे हम क्या बनाते हैं, अपने पास एक SDR को लॉन्च करते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को। बोलो क्लियर हुआ। चलो तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम इतना ही रखते हैं, जो जो मेन इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों जो उज्ज्वला योजना वाली स्कीम है ना, उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर ध्यान से देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए Peace out.